तो उधर बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने हुए पुल का एक हिस्सा गिरा। भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाले इस पुल के एक साल में दूसरी बार गिरने से अब नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये पुल भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का जीता जागता उदाहरण है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन फोर लेन पुल एक बार फिर गिर गया। हादसा उस वक्त हुआ जब निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर भरभराकर नदी में गिर गया। इस कारण पुल का करीब 100 मीटर हिस्सा बह गया, चार पिलर भी पानी में समा गए। इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठने लगी और नदी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिसके बाद पास ही में एक नाव में सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान चीख पुकार मच गई और लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। गनीमत ये रही कि रविवार की छुट्टी के कारण पुल के आसपास मजदूर नहीं थे। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अभी तक कोई भी घायल नहीं है और या फिर कोई भी उस प्रकार से किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस महासेतु को एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है। पुल का कुछ हिस्सा पिछले साल भी गिर गया था। इसके बाद पुल निर्माण का काम फिर से शुरू हुआ था। इस बार सुपर स्ट्रक्चर का करीब 80% काम पूरा हो गया था, लेकिन ये एक बार फिर हादसे का शिकार बन गया। इस पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। करीब 1700 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाले इस पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। पुल का निर्माण 2020 में पूरा हो जाना था, लेकिन दो बार गिरने के बाद इसके पूरे होने का इंतजार और बढ़ गया है। एक साल के भीतर दूसरी बार पुल का हिस्सा गिरने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विपक्ष घटिया निर्माण और निर्माण योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नीतीश सरकार को घेर रहा है। अब इसके बनाए पुल पर लोग चलने से घबरा रहे हैं और जितने पुल इसने बनाए हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। पूरा भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रतीक है। कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में कि कोई पुल बन गया हो, पहले हवा की आंधी में उड़ जाए ऊपर का स्ट्रक्चर, बाद में पानी का बहाव आए उसमें पूरा पुल ही उड़ जाए, धस के रह जाए। ऐसी घटना तो कभी नहीं हुई और इसमें पूरी तरह भ्रष्टाचार है। ये कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार का सिंबल है। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि ये पुल भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। ये कमीशन खोरी की प्रथा, गुणवत्ता विहीन काम और आपके मानसिकता, राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है। विपक्ष के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हैं, क्योंकि वो पथ निर्माण मंत्री भी हैं, जिसकी अगुवाई में ये पुल बनाया जा रहा है। हालांकि अब तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट में पुल की डिजाइन में खामी की बात की गई थी, इसीलिए सरकार ने पुल को नए सिरे से बनाने की तैयारी की थी। तेजस्वी का दावा है कि ये बात उन्होंने विधानसभा में भी बताई थी। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया और पियर नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो है तोड़े गए। हालांकि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की सहयोगी जेडीयू के विधायक ललित नारायण ने मामले की जांच के बाद दोषियों को सजा दिलाने की बात की। उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ी है जिस कारण ये हादसा हुआ। किन कारणों से ऐसी घटना घटी है तो जांच की बात है, एक टेक्निकल बात है, इसमें एक्सपर्ट से जांच होगी और पूर्ण जानकारी ली जाएगी और जो भी दोषी होंगे दंडित होंगे, इसमें दोहराई नहीं जाएगी। ये पुल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है।
फिलहाल पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद नीतीश ने पूरी घटना की जानकारी ली और दोषियों को कड़ी सजा देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार जांच के नाम पर महज लीपापोती कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।